गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का इस बड़े वाले क्यू एन ए वीडियो में जो आप ही लोगों ने मुझे बनाने पर मजबूर किया है। और इस क्यू एन ए वीडियो के लिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछना, लेकिन पता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मिलाकर 10,000 से भी ऊपर कमेंट आए थे। भैया इतने सवाल कौन पूछता है, मुझे 4 दिन लग गए आप लोगों का क्वेश्चन छाटने। और एक और बात, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है कि उनका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है, आगे और क्यू एन ए वीडियो आएंगे जिसमें आप अपने भर भर के सवाल पूछ ले। तो चलो फिर इस खिली खिली धूप के साथ ना हम जो हमारा Q&A का वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि मेरा नाम क्या है, मतलब मेरा पूरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है सृष्टि कृष्णा चौधरी। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरी एज क्या है यार, एज से बड़े ऑफिसर बाजू में आंटी बाल्टी में पानी भर रही है। हाँ, तो बड़े एज से बड़े ऑब्सेस जो तुम लोग, वैसे मैं 21 साल की हूँ। अब मैं ये बोलते हुए ना मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं 18 साल की होती। और हाँ, मुझे ये भी पूछा गया है कि मेरा बर्थडे कब आता है। तो मेरा बर्थडे आता है November 28th को। अब सब लोगों को पता चल गया है ना कि मेरा बर्थडे कब आता है और अभी आने वाला है, तो चुपचाप से सब लोगों के गिफ्ट्स मेरे घर पे पहुंच जाने चाहिए। और मुझे बहुत, मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैंने मेरा 10th और 12th कहां से पास आउट किया और मुझको कितने परसेंटेज आए थे। तो मैंने 1st to 10th standard तक के एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई की है जो ज्यादा नोन नहीं है लोगों को, वो एक दीक्षा भूमि स्क्वायर, अगर आपको पता होगा, जो नागपुर में रहते हैं वहां पर एक स्कूल है कुरवेस न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल, वहां पर मैंने मेरी पढ़ाई की और 10th बोर्ड्स में मुझे आए थे 70%। अब मेरे हिसाब से ठीक ही है यार, मुझे अच्छे लगे ना बस उतना काफी है। और हाँ, मैं एक CBSE स्टूडेंट थी, बट फिर भी उसके बाद मुझे 10th पे 70% आने के बाद भी मैंने आर्ट स्ट्रीम चूज किया क्योंकि हम एक कलाकार आदमी है, बराबर है। अभी इसको मैथमेटिक्स आती नहीं है, वो ऐसे ही बोलेगा, पर मैंने आर्ट्स चूज की। उसके बाद 11th 12th जो मैंने किया, क्या सबको आज ही जाना है, सबको आज ही वीडियो खराब करना है मेरा। तो मैंने मेरा 11th 12th किया हिसलप कॉलेज से, तो 12th में मुझे 2% ज्यादा आए थे, जो 72%। उसके बाद मैंने BA किया। अब BA में मेरे को कितना आया है वो नहीं बता सकती, बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहे हो तुम लोग। चलो अब इतना आंसर कर लिया है ना, आप पहले ब्रश कर लेने दो वरना मम्मी बहुत ज्यादा चिल्लाएगी मुझको। फिर उसके बाद अपने लिए ना थोड़ा सा चाय नाश्ता बनाते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद मम्मी को भी चाय थमाते हैं। और मुझे इससे ना एक और सवाल याद आया। तो मुझे एक सवाल आया है कि दीदी आप ही काम करते हो, आपकी मम्मी आपसे प्यार नहीं करती क्या? तो इसका क्या जवाब है? मैं प्यार करती हूँ। पर ऐसा नहीं है यार कि मैं काम करती हूँ तो मम्मी मुझसे प्यार नहीं करेगी, या मैं ही काम करती हूँ मम्मी क्यों नहीं करती, ऐसा नहीं है यार। सब हम एक छत के नीचे रहते हैं, सबको खाना मिलता है ना, तो सबने काम करना चाहिए। मेरे भाई भी काम करता है, मैं भी काम करती हूँ, मम्मी भी काम करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, पूजा, मंदिर रोज जाना, सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। मैं क्या, मैं तो सिर्फ मेरा रूम साफ करती हूँ और खाना बनाती हूँ। एक और सवाल था कि आपके इतने सारे ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपकी मम्मी आपको चिल्लाती नहीं है क्या? नहीं, क्यों चिल्लाऊंगी, ऐसी मम्मी सबको मिले, देखा मुझे नहीं डांट पड़ती है, इसीलिए मैं इतना सारा शॉपिंग करती हूँ। चलो अब नहा धोकर होते हैं तैयार। अगला सवाल है मेरे बालों के बारे में कि आपके बाल इतने ज्यादा शाइनी सिल्की कैसे है, तुमको ये बाल अच्छे लगते हैं? क्योंकि मुझे तो इससे भी और अच्छे बाल चाहिए। खैर छोड़ो, मेरा जो हेयर केयर रूटीन है उसमें कुछ रूटीन है ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ पैराशूट का वो जो कोकोनट ऑयल मार्केट में अवेलेबल होता है वो लगाती हूँ और एक राइस वाटर लगाती हूँ। ये दो चीजों के अलावा मैं मेरे बालों पे कुछ भी नहीं यूज करती। और बालों को खराब होने का ना एक और रीजन है कि 10th तक के ना हमारे बाल बहुत अच्छे रहते, एकदम घनी घनी छोटी बनेंगी, लंबे होंगे, सिल्की शाइनी सब होंगे। लेकिन वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि 10th तक के ना हमारे बाल हमारे मम्मी के हाथों में होते हैं। 10th के बाद हम ये कट करेंगे वो कट करेंगे, उसके वजह से ना पूरे बाल खराब हो। चलो अब जवाब देते देते ना मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है और दोपहर भी हो गई है, तो पहले हम लंच कर लेते। एक सवाल मेरी जनता से तेरे तरफ, 10 में कितने परसेंट आए? ओ मुझे कैसे पता चला, बताना क्या कैमरा से हट गया ये, बताना क्यों, क्या हुआ? इधर आ, इधर आ। आई ही नहीं बोल रहा है वो, उसको आई ही नहीं, अब उसको नहीं बताना है तो मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अब जो अगला सवाल है ना वो टस्की और क्लोई के लिए है, और वो सवाल ये है कि इन दोनों की एज क्या है। तो टस्की तो ये 14 जून को 1 साल का होने वाला है। अब रही बात क्लोई की, तो क्लोई ना ठीक टस्की से 1 महीना छोटी है। क्लोई का बर्थडे आता है 12 जुलाई को। और पता है एक्चुअली जब मैं टस्की को लेकर आई थी ना, तो परमिशन वाला तो कुछ केस ही नहीं हुआ था, मैं उसको सिर्फ गई और मैं लेकर आ गई। मैंने एक बार
बार भी सोचा नहीं, पूछा ही नहीं मम्मी को कि मैं लाऊं या नहीं लाऊं। मैं डायरेक्टली लेकर आ गई थी और शॉकिंगली मम्मी और भाई को टस्की इतना ज्यादा पसंद आ गया था ना कि मम्मी ने तो मुझे डांटा ही नहीं। और मुझे किसी ने ये भी बोला है कि आप इन लोगों का इतना ज्यादा ख्याल कैसे रख लेती हो, मैं तो इतना नहीं रख पाती या पाता। तो देखो यार, जो पेट्स होता है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे पास आते हैं। अब वो तो हमको कुछ बोल सकते नहीं है या खुद तो अपना खाना ले सकते नहीं है, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है वो हमें ही लेनी पड़ेगी ना। हाँ, तो अब जो अगला सवाल है ना वो YouTube के बारे में है कि मैंने YouTube जर्नी कैसे स्टार्ट की, मेरे मिनी ब्लॉगिंग मैंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और YouTube का 0 to 300K तक के मेरा क्या जर्नी रहा है, मेरा इंस्पिरेशन क्या है, मैंने कौन से दिन पे मेरा YouTube चैनल खोला है। तो सबसे पहले हम यही सवाल से चालू करते हैं कि मैंने YouTube चैनल कौन से तारीख को खोला। तो वो मुझे डेट याद है ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेरा बर्थडे था जब मैंने 28 नवंबर को मेरा फर्स्ट व्लॉग डाला था कि बर्थडे व्लॉग गॉन रॉन्ग। ये वाला मेरा केक जो था वो पूरा मिस्ड अप आया था। कि मुझे ऐसा लगता था कि व्लॉगिंग अगर मुझे करना है ना तो मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मैंने ट्रैवल नहीं किया तो यार मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी। तो मैंने इमेजिका के व्लॉग्स डाले, मैंने हैदराबाद का जो हम वंडरला गए थे वो वाला व्लॉग डाला, मैंने काफी सारे व्लॉग्स डाले, बट उस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, उस वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। अब दूसरा कि मैं किससे इंस्पायर हुई या कौन मेरा मोटिवेशन था, बट जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वाली ये जो चीज होती है ना यार, वो हमें खुद ही से लेनी चाहिए। मतलब वो हम खुद से इंस्पायर होने चाहिए कि नहीं यार अब तो मुझको ये करना है, मतलब करना है। क्योंकि अगर हम किसी और को देख के इंस्पायर या मोटिवेट होता है ना, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम उनको कॉपी करने लग जाते हैं, और यहाँ पे किसी को कॉपी कंटेंट नहीं चाहिए, खुद का ओरिजिनल चाहिए। तो बस फिर वहां से मैंने फिर ये जर्नी 100 डेज व्लॉगिंग का, मिनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया। पहले तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी गई क्योंकि रोज शूट करना पड़ता, कुत्ते भौंक रहे हैं क्योंकि रोज शूट करना पड़ता था, रोज एडिट करना पड़ता था, रोज पोस्ट करना पड़ता था। तो उस चीज के वजह से मुझे मोटिवेशन आया कि नहीं अब तो मुझे करना है, मतलब करना है। मैंने कुछ ज्यादा मोटिवेट नहीं कर दिया आप लोगों को? और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मुझे किसी ने पूछा कि मैंने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर लिया। तो देखो यार, ऐसा अभी तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने इतने कम टाइम में ग्रो नहीं किया है। स्टार्टिंग वाला जो मेरा फेस था ना, वो इतना डिमोटिवेशन से मेरा भरा हुआ था कि मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को। और मुझे ये याद है कि लिटरली एक साल तक के मेरे YouTube पर 100 सब्सक्राइबर्स भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए थे। तो वो देख के ना कहीं डीमोटिवेट हो गई और मैं एकदम इनएक्टिव हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने 100 डेज का व्लॉग्स डालती गई, मुझे तो लगा भी नहीं था कि यार मुझे कोई भी एक वीडियो पे मिलियन व्यूज जाएंगे, बट आज हमारे इतने सारे वीडियो को मिलियन हिट हुए हैं ना, कि जब आप लोगों का प्यार मिलता है ना तो वो और मोटिवेशन आती है मेरे अंदर कि नहीं यार अब तो और करना ही है। तो वो जो 100 डेज का मैंने जो चैलेंज लिया था ना, फिर मैंने उसको एक्सटेंड करके 1000 डेज कर दी। तो ये थी मेरे YouTube और Instagram की जर्नी। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप मीटअप कब करवा रहे हो? चलो फिर इसका भी अब जवाब देती हूँ आप लोगों को कि मैं मीटअप कब करवाने वाली हूँ। तो पहली बात तो यार, मैं मीटअप करवाने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, अभी मुझे एकदम बड़ा बनना पड़ेगा तब हम जाके मीटअप करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम मीटअप नहीं करवाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 50K 100K 200K पे मीटअप करवा लेते हैं, लेकिन अभी ना यार मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ मीटअप के लिए। लेकिन हम मीटअप पक्का करेंगे जब हम एकदम बड़े हो जाएंगे ना, तब सारी चीज़ें मैं अरेंज करूँगी, एकदम 5-स्टार मीटअप होगा हम लोगों का। आप लोगों को बस आना है, खाना पीना है, मेरे साथ गॉसिप करना है, हम बहुत सारे फोटोज बहुत सारे वीडियोस लेंगे, ऐसा होगा हमारा मीटअप। अब जो अगला सवाल है वो है, दी आपके कार में बाजू वाली सीट में कौन बैठता है? तो मुझे लगा ही था यार कि ये क्वेश्चन मुझको आएगा। एक्चुअली बाजू वाली सीट पे कोई नहीं बैठता है, मेरा कैमरा जो है ना फोन वो सामने कॉर्नर पे रहता है ताकि मम्मी और भाई दिखे कैमरा में, इसलिए बाजू वाली सीट पे कोई नहीं बैठता है। बाजू वाले सीट पर आकर ना टस्की और क्लोई बैठते हैं। अगला सवाल, किचन में सबसे खराब चीज क्या लगती है? किचन में सबसे खराब चीज, देखो सबसे अच्छी तो पता है वो है खाना, सबसे खराब चीज जो है ना वो बर्तन धोना है। 2 मिनट, मैंने ना Q&A करते करते पानी शुरू किया था कूलर में और वो पूरा नीचे गिर गया। अब मम्मी बहुत ज्यादा डांटेगी यार। अगला वाला पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, आपको नर्वसनेस नहीं लगा जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो बनाए हो? तो नर्वसनेस भाई साहब, इतना एम्बैरेसमेंट सब मेंट हो गया था। मैं तो एक रूम में, ये जो मेरा रूम है ना पीछे, वहां मैं लिटरली खुद को बंद करके वीडियो बना रही थी और मुझे उसमें भी इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपलोड किया था ना, कैसे कैसे हिम्मत जुटा के अपलोड किया था वीडियो को।
अब जो अगला सवाल है वो ये है, हैव यू एवर फेल्ट एंग्जाइटी और लो फेज वेयर यू फील लाइक यू लॉस्ट योरसेल्फ समवेयर? तो हाँ यार, लाइक सबके लाइफ में ऐसा फेज आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, पर वो टाइम पे ना पता है मैं क्या करती हूँ, वो टाइम पे मैं टस्की और क्लोई के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। बट समहाउ हमको हेल्प करते हैं कि हम वो हमारे लो फेज से एकदम हैप्पी वाले फेज में आ जाते हैं। और अगर उससे भी नहीं हो पाता है ना तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं सो ही नहीं तो मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं ओवर थिंकिंग की शिकार हो जाती हूँ, फिर मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि समहाउ सोना भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है मुझे मेरे लो फेज से निकलने के लिए। तो जो अगला सवाल है वो ये है, व्हाट वाज द हार्डेस्ट थिंग यू फेस ड्यूरिंग LWS सीरीज? LWS लाइफ इज श्री है सीरीज में ना मैंने सिर्फ एक ही चीज फेस की है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है, वो है एडिटिंग, टाइम पर एडिटिंग करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ यार, कुछ हुआ नहीं मैं सो जाती हूँ। और एडिटिंग ना स्टार्टिंग में मुझे नहीं के बराबर आती थी, तो मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि मुझे रोज एडिट करके रोज पोस्ट करना पड़ता था, नो मैटर मैं कोई भी सिचुएशन में रहूं। अगला सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, व्हाट विल बी द वन पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर साइड हु वांट टू बिल्ड अ फुल टाइम करियर इन सोशल मीडिया? तो देखो यार, पहले तो पता है एक अपने दिमाग से चीज निकाल दो कि आपके पास सारी A1 क्वालिटी के इक्विपमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो लेना है तो आईफोन या कैमरा ही होना चाहिए, रिकॉर्ड करना है तो माइक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास जो चीज है ना उससे स्टार्ट कर दो। मैंने जब स्टार्ट किया था ना वो ये वाले सैमसंग के फोन से किया था मेरा स्टार्ट, और ये देखा इसके पीछे का पूरा निकला हुआ है। इस कंडीशन में मैं शूट करती थी, मुझे मेरे दिन याद आ गए यार। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अर्न करना स्टार्ट किया, फिर जाके मैंने ये आईफोन पे स्विच किया है, सोच लो अब। अगला सवाल, प्लीज टेल अस अबाउट योर गोल लाइक हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू वांट ऑन योर चैनल। तो देखो मुझे चाहिए तो वैसे 1 मिलियन, लेकिन चाहने से क्या होता है, वही आजकल के जमाने में उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे। एक क्वेश्चन आया है, क्या मुझसे शादी करोगी पर मैं बेरोजगार हूँ? कहाँ से लाते हो यार ऐसे क्वेश्चन? मतलब बताए, मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, मैं सच बता रही हूँ, 1-2 घंटा मेरी हंसी रुकी ही नहीं थी। तो ये वाला जो सवाल है ना ये काफी ज्यादा जेन्युइन है। मैं भी एक मिनी ब्लॉगर हूँ, लेकिन मैं आपके जैसे डेली व्लॉग्स नहीं बनाता। तो माय क्वेश्चन इज कि हमें डेली वीडियोस बनाना है और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम बोल सकते हो, या फिर घर का कुछ बड़ा काम या कुछ भी, फिर उस टाइम अपने काम वीडियोस फैमिली को कैसे संभालती हो? तो देखो पता है क्या, मुझे भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा डिफिकल्टी गई थी, मतलब मैं झूठ नहीं बोलती, स्टार्टिंग में इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता था ना मेरे लिए। और जब मैंने लाइफ विद श्री स्टार्ट किया था ना, मम्मी तो पहले गई थी गांव, तो मुझे घर का भी काम करना पड़ता था, मुझे मेरा भी काम करना पड़ता था, प्लस मेरे पास पेट है, उन लोगों को भी ग्रूम करना पड़ता था, भाई की तब टिफिन भी बनानी पड़ती थी, भाई के बोर्ड एग्जाम भी शुरू थे, तो सब मुझे ही हैंडल करना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में ना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ वो चीज को मैनेज करना, बट समहाउ 5 दिन 10 दिन गए, थोड़ा थोड़ा मैनेज करती गई, बट उसके बाद ना धीरे 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 जब आदत हो जाती है ना कोई चीज की, तो वो चीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगती। अब उसी को कंटिन्यू है ये क्वेश्चन, अभी तुझे देखकर तो लगता है तेरा पूरा फोकस यूट्यूब इंस्टा पे वीडियोस बनाना है, लेकिन जिसकी कोई इनकम नहीं आती वो पूरा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन उनको भी डेली व्लॉग्स बनाना है तो क्या करे? तो देखो यार, जब स्टार्टिंग में मैंने भी शुरू किया था तो ऑब्वियसली पैसों की तो बरसात नहीं होगी मेरे ऊपर। पहली बात, जब आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो उसको उस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो, अपने माइंड को इतना ज्यादा सेंसिटिव मत बनाओ कि यार मैं ये कैसे कर लूं, मैं ये भी मैनेज कैसे कर लूं, बस करते जाओ, फ्लो में करते जाओ, वो अपने आप होते जाए। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की है, अगर हम जब काम करते हैं ना और काम करते करते हम पैसे के बारे में सोचते हैं ना, वो काम हमारा हमेशा बिगड़ता है। काम को आप मजे से करो, मतलब मेरे डैड ने मुझे बोला था कि काम ऐसा करो जो आप दिन भर करके भी नहीं थक सकते हो, वही काम आपको फल देगा। और मुझे ढेर सारे सवाल आए हैं कि मेरा करियर क्या है, मैं जॉब करती भी हूँ या नहीं, या यूट्यूब के अलावा मैं क्या करती हूँ। तो यार ये सारे क्वेश्चन पढ़ के ना मुझे इतना ज्यादा दुख दर्द पीड़ा हुआ है कि आज भी लोग यूट्यूब को एज अ करियर नहीं देखते, क्योंकि यार मैं तो जब यूट्यूब पे आई हूँ ना, मैं एज अ करियर ही इसको देखकर आई हूँ। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा अभी हाल फिलहाल में तो मैं कुछ भी नहीं कर रही। लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ना लाइटिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ऊपर बहुत ज्यादा घने घने बादल आ गए हैं, हवाएं चल रही है, बारिश आने वाली है, तो फटाफट से एक क्वेश्चन कवर करते हैं। एयरपोर्ट पकड़ लेती हूँ यार, फोन ना गिर जाए। मुझे बहुत सारे लोगों ने, अब जो ये सवाल है ना, ये मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि मेरे डैड क्यों नहीं दिखते मेरे वीडियोस में, क्या मैं उनको लेना नहीं चाहती मेरे वीडियो में, या हम सेपरेटेड है, ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, तो मैं और मेरे डैड कोविड से इन्फेक्ट हो गए थे, लेकिन समहाउ मेरी ट्रीटमेंट जो है वो हो चुकी थी पूरी, बट पापा को कोविड बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर चुका था उनके बॉडी में, और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो रहे थे। तो वो 1 मंथ के लिए एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पोस्ट कोविड निमोनिया हो गया, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई।
तो बस फिर जो यहाँ पर हमारा वीडियो था Q&A का वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी करना, कमेंट करना सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल ही मत जाना। और हाँ, गुस्सा मत होना, स्टार्टिंग में ही बोला था हमारा ये पहला नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी Q&A होंगे जिसमें आप अपने ढेर सारे सवाल लेकर आना।